जी बिल्कुल, मोबाइल की प्राइसेस हैं वो कम हो चुकी हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि डॉलर बढ़ने की वजह से ना जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गई हैं, और अभी जो डॉलर कम हुआ है लेकिन प्राइसेस कम नहीं हुई थी, तो सारे यही इंतजार कर रहे थे कि कब कम होगी, जब डॉलर बढ़ा प्राइसेस तो ऐसे बढ़ गई थी, अब डॉलर नीचे आया है तो प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रही। तो फाइनली 3-4 ब्रांड की तरफ से जो प्राइसेस है ना उनको कम कर दिया गया है। पहले जब मोबाइल की प्राइसेस बढ़ी थी तब तो आपको एक नए मोबाइल का सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब आप किसी मोबाइल की तरफ देख सकते हैं कि अगर कोई समझ आ रहा है तो उसे आप बाय कर लें, नहीं तो आपको 1 या 2 मंथ वेट करना पड़ेगा ताकि जो मोबाइल की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएं, या फिर मार्केट के अंदर कोई नेम मोबाइल भी आ जाए तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ देर से मार्केट के अंदर कोई खास इतने मोबाइल न्यू नहीं आ रहे हैं। अगर आप एक मोबाइल बाय करने का सोच रहे हैं तो आगे जो मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखाने वाला हूं ना उनको देखकर जहन में रख के आपको मार्केट जाना है और फिर आपको मोबाइल को बाय करना है। ये ना हो कि मोबाइल बाय करने के बाद घर आकर आपको पता चले जी कि 4-5 हजार रुपए का हमें चूना लग चुका है। अगर आपको फिर भी एक मोबाइल चाहिए जो कि एक अच्छी प्राइस के अंदर आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करे तो वो फिर आपको यूज की तरफ जाना पड़ेगा, न्यू में तो आप इसके बारे अभी फिलहाल नहीं सकते। यहां पर आप प्राइस लिस्ट देख सकते हैं जहां पर ओल्ड प्राइस लिखी हुई है, साथ मोबाइल का नेम लिखा हुआ है और साथ ही कम होके न्यू प्राइस लिखी हुई है, जो आप वीडियो को रोककर अच्छी तरह देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें।